नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल, भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के द्वारा सिंधिया खेमे के मंत्रियों को विभीषण कहे जाने का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इस बयान पर सिंधिया खेमे के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का यह भावार्थ नहीं था। मुरलीधर राव जी का कहना है कि कांग्रेस में अच्छे लोगों का सम्मान नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे गुलाम नबी आजाद हो या अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं जिनको सम्मान नहीं दिया जाता, वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं बचे हैं, सिर्फ भाजपा में हैं, इसलिए जन विरोधी लोग इस तरह की बातें करते हैं। वहीं रवि फसल की सीजन में बिजली और खाद की कमी को लेकर बोले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी और जहां बिजली की कमी है वहां किसानों की समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। मुरलीधर राव जी ने जो बोला उसका भावार्थ समझने का तरीका है, जिस तरीके से जो लोग समझ रहे हैं बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर उन लोगों का जिनका काम करते हैं सम्मान नहीं है, जिनको कांग्रेस में सिर्फ ज्ञानवीर लोगों को आपस में गुमराह करने वाले बयान देने वाले नेताओं का बोलबाला ज्यादा है। तो अच्छे लोग धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे उसमें मैं हूं। आप चाहे देखिएगा, आज से नहीं शुरू से देखिए, गुलाम नबी आजाद हूं, हर प्रदेश में देश में देखिए धीरे धीरे लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो उनका स्पष्ट कहना है कि अच्छे लोग अब कांग्रेस में नहीं बचे हैं, अच्छे लोगों की तादाद हमारे साथ बढ़ रही है, मिल रही है, तो अब ताकत बढ़ गई है, तो उस ताकत से सामने जो लोग हैं जो जनहित जो जन विरोधी काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जनता में भ्रम जाल फैलाते हैं, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर दो, उनका ये भावार्थ है। सर, एक और को बिजली और खाद की कमी हो रही है, रवि सीजन है। देखिए, बिजली की कहीं कमी है मुझे वो गांव, मैं फिर कहता हूँ आज भी कर रहा हूँ, वो गांव बताइए। और मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूँ, अभी गुना समीक्षा की, अशोकनगर समीक्षा की, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में संभागीय स्तर पर जाने की मेरी कोशिश है और जहाँ वोल्टेज की समस्या है उसको समाधान भी किया जा रहा है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट।